आज हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन के करिकुलम को अफेक्ट करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आर्टिकल्स की तरफ। जी, तो इससे पहले कि हम इसके फैक्टर्स के मुताबिक पढ़ें, पहले ये देखना होगा कि स्कूल के लेवल पर या सोसाइटी के लेवल पर कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से फिजिकल एजुकेशन का जो करिकुलम है वो अफेक्ट होता है। पहली ये थ्योरी ऑफ फिजिक, जैसे कि नाम से जाहिर है फिजिक, तो फिजिक से मुराद होता है आपकी बॉडी से मुतल्लिक। थ्योरी ऑफ फिजिक क्या कहती है? एज द लीडिंग फैक्टर विच एडवोकेट्स दैट द फिजिकल एजुकेशन शुड एनहेंस स्टूडेंट्स फिजिकल फिटनेस। तो ये थ्योरी ये कहती है कि कोर्स और सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि इससे स्टूडेंट्स की जो फिजिकल फिटनेस है उसमें इजाफा हो। सेकेंडली, टेक्निकल एबिलिटी, यानी सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि स्कूल लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर या कॉलेज लेवल पर जो भी सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इस सिलेबस को पढ़कर बच्चों के अंदर जो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो मोटर स्किल्स हैं, वो डेवलप हों। पीपल्स प्रेजुडिस टुवर्ड्स द फिजिकल एजुकेशन इन्फ्लुएंस बाय द ट्रेडिशनल कल्चर। मतलब एक हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है जिसकी वजह से लोगों का एक तासुब एजुकेशन के मुतालिक पाया जाता है कि फिजिकल एजुकेशन के डेवलपमेंट के रास्ते में जो हाई रुकावटें हैं उनमें से एक रुकावट लोगों का तासुब भी है, क्योंकि लोग बिलीव करते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी, मोरालिटी यानी जो एथिक्स है, एथिक्स वाइज बच्चों को इम्प्रूव किया जाए, मॉरल करेक्टर उनका इम्प्रूव किया जाए, इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट की जाए, और इसके साथ साथ राइटिंग विद पेन यानी जो एक रस्मी तरीकेकार है ना उसके ज़रिए ही तालीम हासिल की जाए और फिजिकल एक्टिविटी को मिनिमाइज किया जाए। बल्कि कुछ लोगों का ख्याल तो ये भी है कि स्पोर्ट्स में जो लोग हिस्सा कर लेते हैं वो बड़े सिंपल माइंडेड लोग हैं और सिर्फ अपना वक्त का ज़ाया कर रहे हैं। तो देखिए, जो सोशल बिहेवियर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोग उसके मतलब कैसे सोचते हैं। तो लोगों का जो माइंड है वो इस लिहाज से आपको उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब तक लोग फिजिकल एजुकेशन से अवेयर नहीं होंगे, इसकी अहमियत से आगाह नहीं होंगे, तब तक फिजिकल एजुकेशन में डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। फिजिकल एजुकेशन का जो करिकुलम है उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह एक थ्योरी और भी है, थ्योरी ऑफ लाइफ लॉन्ग स्पोर्ट्स, विच एम्स एट कल्टिवेटिंग स्पोर्ट्स कॉन्शियसनेस एंड फॉर्मिंग हैबिट ऑफ टेकिंग फिजिकल एक्सरसाइज। द थ्योरी ऑफ फर्स्ट हेल्थ विच एडुकेट्स एट द स्कूल फिजिकल एजुकेशन शुड मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट्स, द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड एंड सेटिस्फाई द सोशल नीड्स एज द मेन पर्पज। तो थ्योरी ऑफ लाइफ लॉन्ग स्पोर्ट्स ये कहती है कि सबसे पहले हेल्थ, सबसे पहले सेहत। अगर आपकी सेहत ठीक होगी तो आप तालीम भी अच्छे अंदाज में हासिल कर सकेंगे, और अगर आप तालीम अच्छे अंदाज में हासिल कर सकेंगे तो आप ना सिर्फ अपनी बॉडी के डेवलपमेंट और माइंड में आप बॉडी और माइंड को डेवलप कर सकेंगे, बल्कि आप इन द लॉन्ग टर्म किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की में अपना मुनासिब रोल अदा कर सकेंगे। आइए देखते हैं कि इसमें कितने किस्म के फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर से फिजिकल एजुकेशन का तरीका में इफेक्ट होता है। तो पहला फैक्टर है जी इंडिविजुअल फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या है? एज, सेक्स और नीड्स। ठीक है, किसी भी शख्स की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो मेल है फीमेल है, तो हर शख्स की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, मेल की अलग होती हैं, फीमेल की अलग होती हैं, और इसी तरह उनकी नीड्स अलग होती हैं। इंटरेस्ट, एबिलिटी, नॉलेज इनका अलग अलग होता है, एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अलग अलग होती है, हर एक की, हर एक अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर एक का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डिफरेंट है, कुछ लोग फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं, कुछ फाइनेंशियली वीक होते हैं। इसी तरह कल्चरल बिलीव्स भी हर एक के अलग अलग होते हैं और इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स भी सबके अलग अलग। तो आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल का बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है गेम्स के लिए। इसी तरह अगर हम स्कूल फैक्टर्स की बात करें तो स्कूल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं? टाइप ऑफ द स्कूल इन्वायरमेंट, आया स्कूल आपका किस तरह का है, रेजिडेंशियल है,
कुछ स्टूडेंट उसमें बोर्डिंग है, कुछ घर चले जाते हैं, या बिल्कुल नॉन रेजिडेंशियल है। क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस, आपके यहाँ बर्फबारी होती है, नॉर्मल कंडीशंस हैं, मौसम किस तरह का रहता है, हार्ड एरिया है या नॉर्मल एरिया है, हिली एरिया है, किस तरह का एरिया है। तो गेम्स डिपेंड ये करती है, फिजिकल एजुकेशन का करिकुलम उसके मुताबिक अरेंज किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एफिशिएंसी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स डिपेंड ये करता है कि जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं वहाँ अवेलेबल भी हैं या नहीं, और अगर अवेलेबल हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है, वो किस अंदाज में चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो क्या इंस्टीट्यूशन के पास फाइनेंशियल राय है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इक्विपमेंट फ्राहम कर सकें, क्या उनके पास ऐसे जराए हैं कि वो उन्हें गेम्स के मतलब जो सूटेबल इन्वायरमेंट है वो फ्राहम कर सकें, जो उसका इक्विपमेंट है ज़रूरी वो पहुँचा सकें। सुपरविजन एंड असिस्टेंस फ्रॉम द क्लासरूम टीचर्स, इसी तरह जो क्लासरूम के टीचर्स हैं वो किस हद तक सुपरवाइज करते हैं और असिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को फिजिकल एजुकेशन के करिकुलम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने में। टीचर्स पीपल रेशियो, अगर तादाद स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि जो करिकुलम है उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। इसी तरह कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जिनमें नेचर ऑफ सोसाइटी, बाज जगह पे सोसाइटी एक्सेप्टिंग होती है, बाज का कुछ गेम्स को वो एक्सेप्टेंस नहीं देती। तो सोसाइटी और कल्चर पे डिपेंड करता है कि क्या है कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ सोसाइटी, कि उसका कल्चर कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अब बाज गेम्स हैं वो आप रख सकते हैं, खेल सकते हैं, बट इकोनॉमिकली अगर वो सोसाइटी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो गेम्स बाजू का नाकाम हो जाते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन के करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन में इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिलेशनशिप विद सोसाइटी, के इंसानों का जो सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप है वो। आखिर में कहूँगा कि आपने सम अप करना है तमाम क्वेश्चन को, कि तमाम फैक्टर्स देखने हैं कि इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या होते हैं, स्कूल से रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं, तो जिन फैक्टर्स की वजह से फिजिकल एजुकेशन के करिकुलम में की इम्प्लीमेंटेशन में मसाइल आते हैं।